हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो विप्रो कंपनी की तरफ से कस्टमर एसोसिएट की जॉब आई है। और अगर आप लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही अच्छी कंपनी से। मुझे विप्रो के बारे में आप लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये कितनी सर्टिफाइड है और ट्रस्टेबल है। इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, ये सैलरी क्या रहेगी, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब रोल की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको एज कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बनना है, जिसमें आपका काम होगा कि आप लोग कस्टमर्स की कॉल्स को आंसर करो, देन आपने कंप्यूटर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, आपने उनकी इंक्वायरीज को विद टाइम सॉल्व करना है, और आपने पॉलिसीज गाइडलाइंस बतानी है, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई इंक्वायरी आती है तो उसे भी रिस्पॉन्ड करना है। तो बस ये आपकी पूरी जॉब प्रोफाइल रहेगी एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। देन नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पर मंथ 18,000 रुपीज दिए जाएंगे। और ये वर्क फ्रॉम होम जो है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट अब मैं सीधा आपको इसके फॉर्म पे लेके जाती हूँ और वहां पे आपको बता देती हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप जस्ट वहां पे जाके क्लिक करो लिंक पे और वो फॉर्म फिल कर दो, और उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आप लोगों को मेल भी आ जाएगी। और बहुत से कैंडिडेट्स का ये सवाल भी रहता है कि क्या हमें फीस देनी है जब हम सिलेक्ट होते हैं कि नहीं, तो आपको कहीं पे भी फीस नहीं देनी होती है, फिर चाहे वो कोई भी कंपनी क्यों ना हो। आपका सीधा इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी एक दो दिन की ट्रेनिंग होती है जहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है कि आपने काम कैसे करना है, देन उसके बाद सीधा आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप लोग मेरी वीडियो देखने के बाद कहीं पे अप्लाई कर रहे हो तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ कि मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम के लिए हो या फिर कोई टीचिंग प्लेटफॉर्म के लिए, वो 100% सर्टिफाइड और ट्रस्टेबल है, क्योंकि मैं पॉलिसीज पढ़े बिना कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ। अब आप लोगों के पास टाइम नहीं होता कि आप लोग कहीं पे अप्लाई करने से पहले उनकी पॉलिसीज देखो, क्योंकि वो बहुत लंबी पॉलिसीज लिखी होती है उन्होंने और बहुत ही छोटे वर्ड्स में, तो मोस्ट ऑफ द पीपल उसे अवॉइड ही करते हैं। इनफैक्ट मेरा भी जब टाइम था तो मैं भी अवॉइड करती थी, बट अब मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ जिसमें बहुत से लोग मेरे पे भरोसा करते हैं, तो इसलिए मैं इन सब चीजों का ध्यान रखती हूँ। तो होप आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट अब सीधा चलते हैं हम फॉर्म पे। तो लिंक ओपन करते ही आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे वो सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बट फिर भी आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमने अपनी सबसे पहले जीमेल डालनी है, और जीमेल डालने के बाद आप लोग डालोगे अपना कंट्री कोड प्लस फोन नंबर। फोन नंबर के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है रेज्यूम का। आपने अपना CV अपलोड करना है जहाँ पे सारी डिटेल्स अच्छे से मेंशन की होनी चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होनी है। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, और आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद अगर आप लोगों की सिलेक्शन होती है तो आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट्स।